सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, जो आपको विद्यालय में मिल गए होंगे या अगर नहीं मिले तो जल्द ही आपको मिल जाएंगे। इसी के लिए पिछले माह एक आपकी ट्रेनिंग आयोजित की गई थी गूगल मीट के माध्यम से, जिसमें आपके ARP ने आपको तीनों मॉड्यूल्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उसके बाद बात आती है ऑनलाइन परीक्षा की। ट्रेनिंग होने के बाद सभी जिलों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होनी थी। ये कुछ जिलों में आयोजित हो चुकी है और कुछ जिलों में इसकी प्रक्रिया गतिमान है। पहले ये जो परीक्षा होती थी वो पूरे जिले वाइज होती थी, लेकिन अब जो परीक्षा हो रही है वो ब्लॉक वाइज हो रही है। 2 दिन पहले प्रयागराज के एक ब्लॉक में एक परीक्षा आयोजित की गई थी। काफ़ी मुश्किल सवाल उसमें पूछे गए थे, उनमें एक दो क्वेश्चन अभी भी कन्फ्यूजिंग है। तो काफ़ी मुश्किल परीक्षा की गई थी, लेकिन दिनांक 30/9/2020 को, यानी कि कल, एक और ब्लॉक में परीक्षा आयोजित की गई। वो भी आपका प्रयागराज का ब्लॉक था, तो उसमें भी परीक्षा आयोजित की गई। हालांकि मुझे उस परीक्षा का लिंक नहीं मिल पाया, लेकिन देर शाम मेरे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के मेंबर्स ने मुझे उसके स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए। उन स्क्रीनशॉट को जोड़कर मैंने उसकी वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो बनाने में कुछ 2 क्वेश्चनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। यानी कि जल्दी जल्दी में, या तो मैं थका हुआ था या कोई और कारण से, 2 क्वेश्चनों के आंसर कन्फ्यूजिंग रहे, सही नहीं बता पाया मैं। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैंने वो वीडियो प्राइवेट कर दी है। उसी के मद्देनज़र मैं दोबारा से इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सही से सही नॉलेज दूँ। तो साथियों, आप सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप में मेंबर्स हैं, अगर उनके किसी ब्लॉक या उनके जनपद में परीक्षा आयोजित होती है तो मुझे उसका लिंक जरूर सेंड करें, क्योंकि लिंक से वीडियो बनाने में आसानी होती है और स्क्रीनशॉट से वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आपके यहाँ परीक्षा आयोजित हो रही है तो उसका लिंक मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर सेंड करें। तो चलिए जानते हैं जनपद प्रयागराज के जो दूसरे ब्लॉक में ऑनलाइन परीक्षा हुई, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए। ये परीक्षा हमारी 30/9/2020 को हुई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपकी परीक्षा हुई, वो परीक्षा आपकी प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका पर आधारित थी, जो प्रयागराज में हुई। तो क्या क्या प्रश्न पूछे गए जानते हैं। पहला प्रश्न जो कॉमनली हर जगह पूछा जा रहा है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ। तो इसके बारे में मैंने कई बार बता दिया है, मिशन प्रेरणा का जो शुभारंभ है वो 4 सितंबर 2019 को, यानी कि जो शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या को शाम के वक्त किया गया था। मैंने वो प्रोग्राम देखा भी था, जो मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने उसका आरंभ किया था। कहीं कहीं पर 5 सितंबर भी बोल देते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर आपका 4 सितंबर 2019 ही है। तो इसमें आपका 4th आंसर सही होगा। उसके बाद बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को जो प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो हमारा मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया है। तो इसमें आपका 3rd आंसर सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, 3rd प्रश्न को, बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर देते हैं। जब बात आती है छोटे अनुच्छेद की, तो आपको याद रखना है छोटे का मतलब कक्षा 4 और बड़े का मतलब कक्षा 5। यानी अगर बड़ा अनुच्छेद आता है तो कक्षा 5 की बात है, और छोटा अनुच्छेद आता है तो आपकी कक्षा 4 की बात है। तो इसमें हमारा 2rd आंसर
सही होगा। नेक्स्ट आते हैं शिक्षकों के लिए विकसित हस्त पुस्तिकाएं हैं, तो शिक्षकों के लिए जो विकसित हस्त पुस्तिकाएं, तीन हस्त पुस्तिकाएं विकसित की गई हैं जिन्हें मॉड्यूल्स भी कहते हैं, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, आधारशिला मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। तो इसके लिए आपका तीन है, तो इसमें आपका आंसर होगा फोर्थ, यानी उपरोक्त सभी आपकी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभावी शिक्षण की सीडी में कितने अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो साथियों प्रभावी शिक्षण की सीडी से संबंधित मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जो आपका शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित प्लेलिस्ट है उसमें इस ये मिल जाएगी, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। जो प्रभावी शिक्षण की सीडी है वो हमारी अंग्रेजी के अल्फाबेट से शुरू होती है और उसमें 26 अक्षर होते हैं अल्फाबेट में, तो प्रभावी शिक्षण की सीडी में भी 26 अक्षर होते हैं, उनका अलग मतलब होता है, शिक्षण की विधि है। जैसे ए से हमारा मतलब है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी से बिजी क्लासरूम, इस तरह से ए से जेड तक सभी के बारे में मैंने बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो प्रभावी शिक्षण की सीडी में हमारे 26 अक्षर हैं ए से लेकर जेड तक, तो इसका हमारा तीसरा आंसर सही होगा। उसके बाद बात करते हैं लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा उस दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं भूल गया था कि पहला लर्निंग आउटकम, मैंने काफ़ी याद करने की कोशिश की लेकिन मैं भूल गया, इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ी। लर्निंग आउटकम के तीन स्तर होते हैं, पहला जो आपका लर्निंग आउटकम होता है वो फोकल लर्निंग आउटकम होता है या फिर सेंट्रल लर्निंग आउटकम भी कह देते हैं, दूसरा आपका नेस्टेड लर्निंग आउटकम होता है और तीसरे आपके छोटे छोटे आउटकम्स होते हैं जिन्हें कहते हैं उप आउटकम्स। तो आपके लर्निंग आउटकम के तीन स्तर होंगे, इसका आंसर फोर आपका आपका सही होगा, यानी फोर में थर्ड जो है आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला मॉड्यूल के अंतर्गत आता है, तो जो आधारशिला मॉड्यूल है वो हमारा कक्षा 1, 2, 3 के लिए है, तो उसमें आपका भाषा और गणित आता है। आधारशिला मॉड्यूल में भाषा और गणित विषय, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा हमारा तीसरा सही। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीखने की प्रक्रिया के चरण का सही क्रम क्या है। तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो हमारी शुरू होती है एक्सपीरियंस से, किसी भी चीज का रियल ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद उस रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद उसको एप्लीकेशन किया जाएगा, उसके बाद कंसोलिडेशन। तो ये क्रम होता है आपका, यानी कि एक्सपीरियंस, रिएक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो सीखने की प्रक्रिया का चरण होगा ERAC, इसको भी याद रख लीजिए, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, सीखने की प्रक्रिया के चरण। तीन चीज़ है ये, एक तो सीखने की प्रक्रिया का चरण है, एक भाषा का सही क्रम क्या है और एक गणित का सही क्रम क्या है। तो इसमें सीखने की प्रक्रिया का आपका ERAC होगा, भाषा में आपका सुबोपली होगा और इसी तरह मैथ में आपका वो, मैं जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा, ऐसे आपकी समझ में भी नहीं आएगा, ERAC। नेक्स्ट है आपका आधारभूत शिविर कितने दिन का होगा। तो साथियों जब शुरू में हमें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और आधारशिला मॉड्यूल्स के बारे में बताया गया था, कोरोना से पहली बात है, जब कोरोना से पहले बताया गया था तो 50 दिन का आधारभूत शिविर बताया गया था, चाहे आप उसे फाउंडेशन शिविर कह सकते हैं या आप उसको ध्यानाकर्षण शिविर कह सकते हैं, क्योंकि ध्यानाकर्षण शिविर आपका 50 दिन का होना था लेकिन कोरोना की वजह से वो शिविर समाप्त हो गया एक तरह से, और अब जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार प्रत्येक दिन पहला जो घंटा होगा वो आपका ध्यानाकर्षण का ही होगा। लेकिन अगर पहले के हिसाब से इसका आंसर दिया जाए तो 50 दिन का ध्यानाकर्षण शिविर आपका होना था लेकिन अब नहीं होगा, वो पहले एक हाफ पीरियड में पहला पीरियड जो होगा वो आपका माना जाएगा, तो इसका आंसर आपका इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर आपका तीसरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आधारशिला मॉड्यूल में कितने भाग हैं। ये प्रश्न भी कई बार आया है, बल्कि जो पिछली परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न ही गलत था, कुछ प्रश्न गलत दे देते हैं, हो जाती है गलती, मानवीय भूल है, तो उसमें 6 का ऑप्शन ही नहीं था। वैसे वास्तव में मैं उसमें कंफ्यूज भी होता, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे तो 6 लग रहे हैं लेकिन इसमें 6 का ऑप्शन नहीं है। आधारशिला मॉड्यूल्स जो है उसमें आपके 6 भाग होते हैं, इसी तरह से आप याद कर लीजिए जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स होता है उसमें भी हमारे 6 भाग होते हैं, और जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल्स होता है उसमें हमारे 4 भाग होते हैं। इन तीनों को पक्का याद कर लीजिए, तो इसका आंसर हमारा थर्ड होगा।
नेक्स्ट प्रश्न आता है, भाषा सीखने का क्रम क्या है? ये भी प्रश्न कई बार आया है, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो सुनना सीखता है, जब उसके साथ प्रतिक्रिया करते हैं उसे सुन के वो मुस्कुराता है, उसके बाद बात करते हैं वो बोलना सीख लेता है, सुनने के बाद फिर वो बोलना सीख लेता है, और बोलने के बाद फिर वो स्कूल जाता है तो भी पढ़ना सीखता है, और पढ़ने के बाद फिर आखिरी स्टेज जो होती है वो लिखने की होती है। तो भाषा सीखने का जो सही क्रम होता है वो होता है सुबोपले, इसको आप हिंदी में इस तरह से कहेंगे। और अगर बात करें अंग्रेजी में तो सबसे पहले सुनने का मतलब लिसनिंग, बोलने का मतलब स्पीकिंग, और उसके बाद पढ़ने का मतलब रीडिंग, और उसका मतलब राइटिंग, यानी कि SL, और पढ़ने का मतलब रीडिंग हो गया R, और उसके बाद W, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। वैसे ही जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से देख लेना आप, इसका सुबोपली होगा, यानी कि इसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। उसके बाद गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं, ये मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, जो मेरे मित्र हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो ग्रुप के, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, तो उन्होंने इसमें तीन आंसर बता दिया गतिविधि में, लेकिन तीन आंसर, और मैंने भी जल्दी जल्दी में, अंधेरा हो रहा था और काफ़ी टाइम भी हो चुका था, मैं थक भी चुका था, तो मैंने भी गतिविधि तीन बता दी, लेकिन वास्तव में गतिविधि चार होती हैं। पहली गतिविधियाँ आपकी चार प्रकार की होंगी, मौखिक आपकी गतिविधि होगी, लिखित आपकी गतिविधि होगी, इसके साथ साथ TLM आधारित भी गतिविधि होगी जिसको मैं भूल गया था, और एक होगी आपकी ICT आधारित गतिविधि जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। तो गतिविधि आपकी चार होती हैं, मैंने इसमें तीन आंसर बता दिया था, इसीलिए मुझे वीडियो दोबारा बनानी पड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिले। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 99% एक्यूरेसी दूँ, तो इसलिए उस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने गतिविधियाँ तीन बता दी थी, क्योंकि गतिविधि तीन नहीं होती, मुझे इसी तरह का ये आंसर मिला था तो मैंने जल्दी जल्दी में तीन ही बता दी, और चौथी मेरे याद भी नहीं आई। तो गतिविधि हमारी चार होंगी, मौखिक, लिखित, और आपकी TLM आधारित, और चौथी आपकी ICT आधारित। तो आपका इसका आंसर सेकंड होगा, इसे आप करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, तो प्रेरणा लक्ष्य हमारे 10 है, आपको पता है, एक कक्षा एक के लिए 2 है, एक भाषा का, एक गणित का, इसी तरह 2 के लिए 2 है भाषा गणित का, इस तरह से 5 तक है। तो ये आपके, और ये क्या होती है, प्राथमिक स्तर, यानी कि प्राथमिक स्तर पे आपके प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कक्षा 1 से लेके 5 तक के लिए। तो इसका आंसर आपका थर्ड सही होगा। उसके बाद बात करते हैं शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है, जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स है उसमें आपको शिक्षक डायरी के बारे में बताया गया है, शिक्षण योजना के बारे में बताया गया है, और जो आपका आकलन प्रपत्र होगा वो भी उसमें ही बताए गए हैं, यानी कि इन सब की आवश्यकता किसे पड़ेगी, इनकी आवश्यकता पड़ेगी शिक्षक को। तो जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल्स है वो हमारा शिक्षकों के लिए है, तो इसका आंसर हमारा थर्ड होगा। उसके बाद बात करते हैं भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ, अगर भाग का जिक्र आता है तो कक्षा 5, और गुणा का जिक्र आता है तो कक्षा 4, यानी कि ये लक्ष्य आपका कक्षा 5 गणित का है, तो इसमें आंसर आपका थर्ड होगा, थर्ड पे आप निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है मिशन प्रेरणा की टैगलाइन क्या है, तो ये मैंने आपको कई बार बता दिया मिशन प्रेरणा की, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बार हम, क्योंकि मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया, शुरू में ही मैं कह देता हूं, तो इसमें कोई बता देते हैं कि हम बनाए उत्तर प्रदेश को बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, तो लेकिन वैसे इसकी असली जो टैगलाइन है उसका मतलब है हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। कुछ शिक्षक साथियों के मेरे पास मैसेज भी आए कि सर टैगलाइन से क्या मतलब है, टैगलाइन से मतलब है कि जैसे आपका कोई सिंबल होता है, सिंबल बना लेते हैं, तो इस तरह का एक सिंबल होता है जैसे टैगलाइन होती है किसी भी चीज़ की, जैसे आपके ओलंपिक गेम्स की भी टैगलाइन होती है, तो इस टैगलाइन है मिशन प्रेरणा की कि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। प्रेरक राज्य भी नहीं है, प्रेरक घर भी नहीं है, प्रेरक देश भी नहीं है, या कहीं कहीं पर ऐसा ऑप्शन आ जाता है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, वो भी इसकी टैगलाइन नहीं है, ध्यान रखिए इसकी टैगलाइन है हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, तो इसमें आपका थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट आता है आधारशिला हस्त पुस्तिका का निर्माण किस कक्षाओं के लिए किया गया है, तो जो आधारशिला हस्त पुस्तिका है इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग होता है, जो शुरू में था
शुरू में कक्षा एक और दो के लिए आधारशिला पुस्तिका बताई गई थी हमें जब हमारी ट्रेनिंग शुरू में हुई थी उसके बारे में, और कक्षा तीन से लेके आठ तक आपका ध्यानाकर्षण बताया गया था। उसके बाद इसमें कुछ चेंज किया गया, चेंज करने के बाद अब आधारशिला हस्तपुस्तिका का निर्माण जो है कक्षा एक दो तीन के लिए किया गया, और जो ध्यानाकर्षण का किया गया वो चार से आठ कर दिया गया। पहले तीन से आठ था, अब चार से उसको आठ कर दिया गया। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान कर लीजिए। तो सत्रहवां जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपका फर्स्ट होगा। तो इस तरह से इसमें 20 प्रश्न पूछे गए थे लेकिन 17 क्वेश्चन ही उपलब्ध हो पाए। उन्होंने बताया कि तीन प्रश्न में दो प्रश्न गलत थे, वो मैंने हटा दिए, और जो है एक प्रश्न आपका था कि जो आपका रीड अलोंग ऐप है उसका पार्टनर कोड आपके ब्लॉक का क्या है, तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि प्रयागराज का अलग कोड है, आपके ब्लॉक का अलग कोड है। तो आप सबसे पहले अपने ब्लॉक का रीड अलोंग जो कोड है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि आपके ब्लॉक का कोड क्या है, पार्टनर कोड क्या है। तो ये आपको लिस्ट आ गई होगी आपके BRC से या किस तरह की, उसमें सभी ब्लॉक के पार्टनर कोड लिखे हुए हैं, तो उसको आप याद कर लीजिए। और दो प्रश्न उसमें गलत थे, तो ये आपके कुल प्रश्न हुए। इस तरह से ही मुझे ये वीडियो दोबारा बनानी पड़ी, आपकी असुविधा के लिए मुझे खेद है कि मैंने वो रात वीडियो डाली थी उस पर 500-600 लोगों ने देखी भी, उन लोगों को गलत भी लगे होंगे, मेरे पास एक दो मैसेज भी आया, तो इसीलिए मुझे वो वीडियो दोबारा बनानी पड़ी, तो उसके लिए सॉरी। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। इसके साथ साथ आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर आपके ब्लॉक में कोई परीक्षा होती है तो उसका लिंक मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें ताकि मैं उसकी वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।